कोतवाली थाना क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक लाल बच्चा झा को उनके ऑफिशियल मेल पर बुधवार की रात धमकी भरा मेल भेजा गया। बृहस्पतिवार को सुबह जब वे ऑफिस पहुंचे और उन्होंने मेल खोली तो धमकी की जानकारी हुई। बिहार के मधुबनी निवासी लाल बच्चा झा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में 1.5 महीने पहले प्रमोशन पाकर क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में ज्वाइन किए हैं। इससे पहले वो मुंबई में तैनात थे और गोरखपुर से ही उनका मुंबई में ट्रांसफर हुआ था। इन्होंने कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि बुधवार की रात में दो अलग अलग समय पर क्षेत्रीय प्रबंधक के ऑफिशियल मेल पर दो मेल आई थी। उसमें उन्हें धमकी दी गई थी और पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक DN यादव का हाल याद करवाया गया था। आपको बताते कि DN यादव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर थे और 2015 में शाहपुर में अशोक नगर के पास उन्हें बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। सड़क पर ही सरेआम घेर कर उनको गोली मारी गई थी। उस घटना की आज तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। अंकित पासवान के नाम की मेल आईडी से भेजी गई धमकी में इनको मारने की बात लिखी गई है। ये धमकी किस वजह से भेजी गई है इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने साइबर सेल को एक्टिव कर दिया है और जल्द ही इस पूरे मामले के खुलासे की उम्मीद बताई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक लाल बच्चा झा और CEO कोतवाली BP सिंह ने कहा। मेरा नाम LB झा है, लाल बच्चा झा। ये मेल कल ही आया था, कल रात में, परसों रात में 11:56 पर आया था और दूसरा मेल फिर 1:20 पर कल सवेरे आया था। हम लोग जब ऑफिस में आए तो उसमें एक अंकित पासवान फिक्सीसियस ID है, हम लोग जानते नहीं है कौन है अंकित पासवान। उसका जो है सो ID है CVI SC ST OBC@gmail.com। उससे हमको धमकी मिला है। क्या धमकी जो मिला है धमकी हमको पहला ये मिला कि तुम DN यादव को याद करो, सुधर जा, नहीं तो तुम्हें बहुत जल्दी पिटाएगा। द्वितीय ये मिला कि उड़ो नहीं, परिवार के बारे में सोचो, वहाँ बीवी अकेली, यहाँ तुम अकेला, रोने वाला कौन। तो ये DN यादव कौन है और ये क्या याद DN यादव यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक थे, इसी पद पे थे। 2015 में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो ये क्या कह रहे हैं, जो आपको धमकी दे रहे हैं, इनका क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों उनका क्या मकसद है, क्यों किए हैं वो हमें मालूम नहीं। तो इस संबंध में क्या सर मुकदमा? हाँ, कर दिया है। वार्ता हुई है हमारे जो FGM सर है उनको मैंने अवगत करा दिया। बाकी राइटिंग में अभी सब कुछ हम लिख के भेजेंगे, FIR का कॉपी भी भेजेंगे। जो भी मैनेजर साहब को धमकी मिली है, उन्होंने जो सूचना दी है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, छानबीन जारी है। प्रथम दृष्टया अभी डिपार्टमेंटल शरारत प्रकाश में आ रही है, फिर भी गहराई से उसकी छानबीन की जा रही है। सर, 23 सितंबर में एक मैनेजर की हत्या हो चुकी है, उसी डिपार्टमेंट क्या? अब उस मैनेजर की हत्या से, पूर्व के मैनेजर की हत्या से इस घटना को नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह के तथ्य आए हैं तो उस पर भी गहराई से छानबीन गहनता से होगी।